हेलो गाइस, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आप ऑफलाइन आरटीआई का जो प्रथम अपील होता है उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। यहां पे मेरे हाथ में प्रथम अपील का फॉर्म है, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप भरने के लिए समझेंगे कि इसको फिल करने का क्या प्रोसेस है। इससे पहले मैंने ऑनलाइन कैसे फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील किया जाता है इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और आरटीआई फाइल कैसे किया जाता है इसका भी वीडियो मैं अपना चैनल पर बना दिया हूँ। आज के इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि ऑफलाइन प्रथम अपील कैसे करते हैं, मैंने ऑफलाइन आरटीआई कैसे फाइल किया जाता है इसका वीडियो बनाया था, उसी के नीचे बहुत सा कमेंट आया था कि ऑफलाइन प्रथम अपील कैसे किया जाएगा इसका भी वीडियो बनाए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं नेक्स्ट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये प्रथम अपील का फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले आपको भरने के लिए यहाँ दिया गया है दिनांक जो कि आप छोड़ देंगे, ये कार्यालय व्यवहार हेतु है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए प्रपत्र छ है, ये आपने जो आरटीआई फाइल किए थे वो प्रपत्र क होता है। तो प्रपत्र क में आपने जो यहाँ पे दो लाइन में जो भी लिखे थे, अपीलीय प्राधिकार का नाम, लोक सूचना प्राधिकार के नाम और उसका विभाग और कार्यालय का पता, वही आपको यहाँ भी लिखना है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम अपील ये आरटीआई फाइल करते समय ये बात कहाँ लिखा गया था वो फॉर्म पे जो यहाँ दोनों लाइन में भराया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये प्रपत्र क है, आरटीआई का ये फॉर्म है, ठीक है। इसमें जो आप यहाँ दो कॉलम में जो भी लिखे हैं वही दोनों चीज़ वहाँ भी लिखना होगा, सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आप आरटीआई फाइल करते समय जो नाम और ये पूरा पता डाले थे वही सब पता सेम वहाँ होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति का वहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। यही नाम वगैरह हर चीज़ सेम डालेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रथम अपील का फॉर्म पे। आओ, तो अब आप ये दोनों कॉलम में क्या भरा जाएगा वो चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यदि आपको सूचना नहीं मिला है तो आप यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। यदि आपको सूचना मिला है तो जो भी पदाधिकारी द्वारा मिला गया उसका यहाँ पर नाम डाल के, अब आगे आपको यहाँ जो कॉलम नंबर एक है इसमें आपको अपना नाम पूरा डालना होगा, और यहाँ थ्री कॉलम है आपको अपना एड्रेस फिल करने के लिए, और यहाँ पे है लोक सूचना पदाधिकारी का नाम। आपने जो सूचना पदाधिकारी को यहाँ डाले हैं ये दोनों लाइन में जो एड्रेस और कार्यालय का नाम और विभाग डाले हैं बस वही सब चीज़ डालना होगा, ये कोख दोनों में, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे पदाधिकारी का नाम और उसका पता डाल देंगे, ठीक है, ये दो लाइन में। उसके बाद है यहाँ ख है कार्यालय का पता, यहाँ कार्यालय का पता डाल देंगे, ठीक ना। उसके बाद जो ग है इस ग में दिया गया है जिसके विरुद्ध अपील दायर किया जाता है। यदि आपको आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया है तो आप यहाँ लिख दीजिए कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया, ठीक है। और यदि जवाब दिया गया है और वो गलत है तो फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सूचना पदाधिकारी के द्वारा जो जवाब दिया गया है वो गलत है या अधूरा है, जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद जिस डेट में आपको जवाब मिला है वो तिथि यानी डेट यहाँ पे लिख देंगे। यदि नहीं मिला है जवाब, ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि मुझे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, तब यहाँ तिथि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको जवाब मिला ही नहीं है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं चार नंबर में। चार नंबर में लिखा हुआ है प्रपत्र क में आवेदन समर्पित करने की तिथि। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं प्रपत्र क में और देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन तिथि डाला जाएगा, यहाँ चार नंबर में कौन तिथि डाला जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क पे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम प्रपत्र क में पहुँच चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तिथि का यहाँ दिया हुआ है। आप जो डेट में यहाँ जो डेट फिल किए हैं वही डेट वहाँ चार में होगा, ठीक है। तो ये लाइन नंबर चार में आप वो डेट डाल देंगे। उसके बाद सूचना का ब्यौरा, आपने सूचना का ब्यौरा वहाँ जो मांगे थे वही सूचना आपको इसमें एंटर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे चार लाइन आपके पास दिया गया है, ये है आरटीआई का फॉर्म। आप यहाँ पे जो सूचना डाले थे यहाँ तीन नंबर में जो सूचना आप डाले थे वही सूचना वहाँ डालने का मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जो तीन नंबर में डाले थे वो इसमें आप डाल देंगे। आप यहाँ पे डालेंगे सूचना जो मांगी गई है। यदि आप कोई रजिस्टर का टू कॉपी मांगे हैं या फिर कोई कागजात निकालने के लिए जो भी मांग रहे हैं या फिर कोई कार्यालय का सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिख देंगे, जैसे कि मुझे
मतलब ये डेट का सीसीटीवी फुटेज इतना बजे से इतना बजे तक का चाहिए, तो वो अवधि आप इसमें दो नंबर में लिख देंगे। अदरवाइज आप ये दो नंबर को खाली छोड़ देंगे। जैसे आपको कोई रजिस्टर का टू कॉपी मांग रहे हैं, तो आप लिख देंगे कि फलाने रजिस्टर का ये टू कॉपी हमको चाहिए, या जो सीडी कैसेट वगैरह मांग रहे हैं वो एक नंबर में डाल देंगे। उसके बाद है यहाँ सिक्स नंबर में, प्रपत्र क में आवेदन समर्पित करने के बाद 30 दिन पूरा होने की तिथि। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से समझना होगा कि आपने यहाँ जो डेट डाले थे, अभी एक जगह डेट डालने के लिए तो अभी मैंने बता दिया आपको कि चार नंबर जो है ये प्रपत्र क में आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि, यहाँ जो बात आप डालेंगे उसको आप समझ चुके हैं, उसके 30 दिन के बाद यहाँ का डेट डालना होगा। जैसे मान लीजिए यदि आप यहाँ पे 15 अप्रैल 2019 डाल रहे हैं, यहाँ फिर से समझिए एक बार, यदि आप यहाँ पे 15 अप्रैल 2019 डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे डालना होगा 15 मई 2019। यानी कि आप जो चार नंबर में जो डेट डाले हैं उसके, यहाँ जो चार नंबर में जो डेट डाले हैं उसके एक माह बाद वाला यानी 30 दिन बाद वाला डेट आपको ये छः नंबर में डालना होगा। ठीक है, अब यहाँ छः नंबर आप समझ गए। अब चलिए हम लोग सात नंबर में चलते हैं। सात नंबर में लिखा है कि अपील का कारण, आपको ये प्रथम अपील क्यों करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है। तो देखिए फॉर्म क, ठीक है, प्रपत्र क जो आप आरटीआई फाइल किए हैं उसी के बारे में यहाँ कहा गया है कि फॉर्म क में आवेदन समर्पित करने के 30 दिन के अंदर मुझे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। यदि आपको कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है तो सात का क में टिक कर देंगे, ख को छोड़ देंगे, ये तीन कॉलम को भी छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको सूचना कुछ गलत मिला है तो आप इसमें टिक कर देंगे ख में, तब क में नहीं करना है। और आपको जिस डेट में प्राप्त हुआ है निर्णय वो डेट यहाँ लिख देंगे, और जो निर्णय प्राप्त हुआ है आप यहाँ तीन कॉलम में उसको फिल कर देंगे। ठीक है, यदि आपको कोई सूचना नहीं मिला है तो आप क में टिक करके ख को छोड़ देंगे, यहाँ डेट भी नहीं भरना है, ये तीन कॉलम को भी छोड़ के आगे बढ़ जाना है आठ नंबर में। ठीक है, अब देखिए आठ नंबर में अपील का आधार मामले से संबंधित साक्ष्य। तो आपने आरटीआई जो किए यानी कि प्रपत्र क जो किए आरटीआई फाइल, तो उसका जो है आपको यहाँ पे एक फोटो स्टेट संलग्न करना होगा। तो आप यहाँ पे नंबर देके, एक नंबर में देके लिख दीजिएगा कि प्रपत्र क का छाया प्रति, प्रपत्र ख भेजने की प्राप्ति रसीद। ठीक है, उसके बाद ये दो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बाद जो है आप यदि बीपीएल वगैरह का सूची लगाए थे, ठीक है, तो आप यहाँ पे बीपीएल सूची का जो है छाया प्रति संलग्न कर देंगे, तो आपको ये साबित हो पाएगा कि आपने प्रपत्र को भरते समय जो है फीस संलग्न किया था, या फिर आप जुडिशियल स्टाम्प वगैरह जो भी दिए थे उसका आप प्रूफ यहाँ दे देंगे क ख करके। ठीक है, ये तीन कॉलम आपको दिया गया है। उसके बाद आइए नीचे, अब यहाँ देखिए नौ नंबर में है कि अपील दायर करने की अंतिम तिथि। तो अब यहाँ पे समझना होगा आपको ध्यान से, यहाँ जो आप तिथि दिए थे छः में, ठीक है, यहाँ जो तिथि दिए उसके 30 दिन बाद वाला तिथि यहाँ नौ नंबर में होगा। ठीक है, यदि आपने यहाँ मान लीजिए कि 15 अप्रैल 2019 दिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डालना होगा 15 मई 2019। ठीक है, उसके बाद आइए दस में, जो है यहाँ पे अपना नाम और पूरा पता यानी पोस्टल एड्रेस आपको डालना है, यहाँ थाना, यहाँ डेट, और आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, और यदि ईमेल पता कोई है तो वो दे देंगे, लेकिन मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है, आप यहाँ मोबाइल नंबर निश्चित रूप से डाल ही दें। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये फॉर्म को सब भेज दें। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा यहाँ जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करके, ठीक है, और यहाँ जो भी पदाधिकारी है उसका कार्यालय भेज देंगे। तो आप पोस्ट ऑफिस से ही भेजेंगे तो आपको रजिस्ट्री डाक से भेजना होगा, आप स्पीड पोस्ट या फिर साधारण डाक नहीं करेंगे। आप यहाँ पे जो एड्रेस दिए हैं बस आपको लिफाफ के ऊपर में लिखना होगा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, और उसके बाद जो विभाग और का नाम है वो आप दे देंगे। इसका डिटेल से मैंने वीडियो बना दिया था, वो आरटीआई फाइल करते समय, आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है,
आप वो देख लें। यह है प्रथम अपील, इसके बाद होता है सेकेंड अपील। यदि आपको फर्स्ट अपील से भी कोई जानकारी नहीं मिल रहा है तो आप सेकेंड अपील में जा सकते हैं। सेकेंड अपील का फॉर्म ऑफलाइन कैसे सबमिट किया जाएगा, इसका वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्द ही उसका वीडियो लेके आप लोग के बीच आ जाऊंगा। ये वीडियो बनाने मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा, मुझे ये फॉर्म लेना पड़ा है काफ़ी दूर से। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपको इस वीडियो संबंधित कुछ भी प्रश्न हो नीचे तो कमेंट में आप लिखिए, मैं सभी का प्रश्न का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।